नमस्कार दोस्तों, कैपेसिटी में आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोग ले लेकर नई वीडियो। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो मारुति सुजुकी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोस्तों उसके तरफ से दोस्तों बहुत ही बड़ी भर्ती निकल के आ रही है। दोस्तों इस बार दोस्तों जो भर्ती निकल के आ रही है दोस्तों वो 10th पास, 12th पास, IT पास स्टूडेंट के लिए दोस्तों ये भर्ती निकल के आई है। दोस्तों इसमें दोस्तों सभी तरह का भर्ती निकल के आ रही है, जिसमें आप दोस्तों TW कर सकते हैं, CW कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, उसके बाद जो है दोस्तों आप इससे फिर ITI भी कर सकते हैं। तो सभी का दोस्तों जो है वैकेंसी आ चुका है और सभी का लिंक जो है दोस्तों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर दोस्तों सभी को आप एक एक करके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अप्लाई का जो लास्ट डेट रखा गया वो 23 दिसंबर तक दोस्तों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों जो है इसका लिंक बंद हो जाएगा। तो 23 दिसंबर से पहले दोस्तों आप लोग जाके अप्लाई कर लीजिएगा, जितना जल्दी हो सके दोस्तों आप अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं होता दोस्तों कब लिंक कब का बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग अप्लाई करने से पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा दोस्तों मेरे साथ साथ। दोस्तों मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दोस्तों आपको पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि इसमें आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपको इसमें दोस्तों सैलरी दिया जाएगा, कैसे आपका इसमें क्या क्वेश्चन आने वाला है, रिटर्न टेस्ट में, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आने वाला है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ दोस्तों मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन चल के दोस्तों। तो आप लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा दोस्तों मेरे साथ साथ दोस्तों। और दोस्तों इस कंपनी में जो सैलरी दिया जाता है दोस्तों वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है ITI वालों को जो इसमें सैलरी दिया जाता है, जो TW CW करना चाहते हैं उनको अभी जो है 88,000 रुपये पर मंथ आपको दोस्तों सैलरी दिया जाता है, और जो 10th 12th वाले हैं उनको जो अभी सैलरी दिया जाता है वो 17,000 रुपये पर मंथ दोस्तों आपको सैलरी दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों सभी के लिए इस कंपनी में सैलरी दिया जाता है दोस्तों। इस कंपनी में दोस्तों जो है लड़के काम करने के लिए दोस्तों लाइन में लगे हुए रहते हैं, फिर भी दोस्तों इस कंपनी में होता नहीं है। तो इस बार दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि फिर से लिंक आ चुका है, वो भी सभी का लिंक आ चुका है। तो सभी जाके अप्लाई करके दोस्तों इसमें जॉब पा सकते हैं। आपका दोस्तों इसमें ज्वाइनिंग 2022 में नहीं होगा, 2023 में आपका सभी का ज्वाइनिंग होने वाला है, क्योंकि 2-3 महीना लग जाता है दोस्तों सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो चलो दोस्तों बाकी की जानकारी चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन चल के। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल करके रखिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों जितने भी मारुति सुजुकी के संबंधित जानकारी होती है दोस्तों सारी जानकारी इस चैनल पर आप लोगों को दी जाती है, या अदर कंपनी के बारे में भी दोस्तों जानकारी दिया जाता है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो है जो इंडिया में ऐसी कोई कंपनी है जिसके बारे में मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ दोस्तों। तो चलो दोस्तों फिलहाल चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों नीचे जो दिया गया है यहाँ पे वर्कर्स हैनिंग ITI पास आउट कैंडिडेट। तो ये दोस्तों ITI पास आउट कैंडिडेट 10, 12 सभी के लिए दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। तो पहले मैं ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो CW के लिए दोस्तों यहाँ पे निकाली गई है, फॉर ओनली बिहार कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकाला गया है दोस्तों। जॉब का जब लोकेशन रहने वाला वो मानसर एंड गुड़गांव पहलवान में दिया जाएगा दोस्तों। जो CW का ड्यूरेशन टाइम होता है दोस्तों वो 1 साल के लिए होता है, और TW का जो होता है दोस्तों वो 7 महीने के लिए होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको 1 साल में सैलरी दिया जाता है TW में, वो दोस्तों यहाँ पे 88,000 रुपया अभी पर मंथ आपको दोस्तों सैलरी दिया जाएगा। उसी में से सिटी से वगैरह काटा जाता है, काट कूट के आपको हैंड सैलरी 26,000 रुपया मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी ITI पास आउट होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसमें अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। इंस्टीट्यूशन आप चाहे गवर्नमेंट ITI से ITI की या प्राइवेट ITI से ITI की है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इसमें अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। चाहे आपके पास NCVT का सर्टिफिकेट हो या SCVT का सर्टिफिकेट हो कोई दिक्कत नहीं है। जो ITI ट्रेड यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं, ट्रेड को आप लोग अपना ध्यान से देख लीजिए। जो यहाँ पे दिया गया फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, पेंटर जनरल, डीजल मैकेनिक, कोपर टर्नर मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल फाउंडर मैन, ड्रॉक्समैन मैकेनिकल एंड अदर जो रिलेवेंट ट्रेड्स एज पर कंपनी रिक्वायर्ड। तो आप दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिंक पे, तो वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे ट्रेड पे, तो वहाँ पे और भी ट्रेड आएंगे, तो जो जो ट्रेड होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 26 ईयर्स होना चाहिए। TW में भी सेम एज रखा जाता है, और दोस्तों CW में भी सेम एज रखा जाता है, वो भी आपका ज्वाइनिंग टाइम तो भी एज लिमिट होना चाहिए। ITI पासिंग ईयर ऑल कैंडिडेट आप किसी भी ईयर पास किए कोई दिक्कत नहीं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहना होगा, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। यही हुआ दोस्तों आपका मेन। तो ये जो होता है दोस्तों पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, जो टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा दोस्तों HR एंड टेक्निकल से। तो जो दोस्तों आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है, इन सारे का दोस्तों मैं क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बना चुका हूँ,
जो दोस्तों टेक्निकल एप्टीट्यूड बिहेवियर का आपको दो वीडियो मिलेंगे, जिसमें एक वीडियो में मैं बताया टेक्निकल एप्टीट्यूड से और एक वीडियो में मैं बताया बिहेवियर से क्वेश्चन। तो उन वीडियो का लिंक जो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर दोस्तों आराम से उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आराम से आप दोस्तों जो है ऑनलाइन टेस्ट आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एचआर टेक्निकल से जो दोस्तों आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसका भी दोस्तों दो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसका भी लिंक जो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियो को भी दोस्तों आप एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप एग्जाम देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, आप 100% दोस्तों जो है इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उसके बाद दोस्तों पार इम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप होगा, आपका यहाँ पे आएंगे तो आपको मेडिकल चेकअप होने वाला है। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड, जिनके आंखों में कम दिखाई देता है वो प्लीज इसको जो है अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। ज्वाइनिंग ऑन बोर्डिंग द्वारा आपका होने वाला दोस्तों जो इंट्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग के लिए दोस्तों आपको इसमें लिया जाएगा। नोट यहाँ पे देख दिया गया कि दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म डज नॉट गारंटी यू द सिलेक्शन इन दिस प्रोसेस। तो ये दोस्तों आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भी सिलेक्शन हो सकता है। जो डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करना पड़ेगा, ये दोस्तों अप्लाई करने का टाइम दोस्तों आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, तो ये सब ध्यान में रखिए। आईटीआई का मार्कशीट, टेंथ का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, इन सभी को CW फॉर्म अप्लाई करते समय रखें और सभी दस्तावेज अपलोड करें। तो ध्यान देखिए, ये जो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है दोस्तों सारा कुछ आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। वो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, 100 कॉपी का दोस्तों आपका सारा कुछ होना चाहिए और ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको दोस्तों छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट में दोस्तों आप सही से चेक कर लीजिएगा कि कहीं पे आपका फादर्स नाम या एड्रेस वगैरह कुछ भी गलत तो नहीं है, सारे में सेम होना चाहिए, तभी दोस्तों आप इसमें अप्लाई करेंगे, नहीं तो अप्लाई नहीं करना आपको। क्योंकि अगर गलत अप्लाई करते हैं आप, मतलब मान के चले 10 के मार्कशीट में कुछ अलग है, आधार कार्ड में कुछ अलग है, तो फिर दोस्तों इसमें जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या आपका ज्वाइनिंग भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप लोग सारा कुछ सुधारने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसका फॉर्म आते रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ओपन कैंपस जो इम्पोर्टेंट डेट्स, तो आपको जो डेट बताया जाएगा दोस्तों जो आपका इंटरव्यू एग्जाम और इंटरव्यू होगा, वो आपको कॉल या मैसेज द्वारा सूचित कर दिया जाएगा दोस्तों। आपके मोबाइल में कॉल या मैसेज चला जाएगा जब आपका जो एग्जाम और इंटरव्यू होगा उस टाइम दोस्तों। और जो है अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों, TW का लिंक मिल जाएगा आपको, CW का मिल जाएगा, अप्रेंटिस का भी मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद 10-12 वालों का भी इसमें लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, जहाँ से आप दोस्तों अप्लाई करके जो है फ्री IT कर सकते हैं। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, 10-12 वाले जाके आप वहाँ पे मैं अलग अलग लिख के दे दूंगा, वहाँ से जाकर आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत होता है तो आप दोस्तों जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन दिया हुआ या कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो जाए दोस्तों फटाफट से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई का लास्ट जो डेट जो रखा गया वो 23 जो दोस्तों दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उससे पहले जाकर फटाफट से अप्लाई कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू जय दोस्तों।